अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। तो अभी हो गया है शाम का टाइम और शाम होती है, शाम होते ही मौसम इतना अच्छा हो जाता है ना कि मन ही नहीं मानता है कि ऊपर ना आओ। वैसे मैं सोच रही थी कि ऊपर नहीं जाऊंगी, लेकिन मन ही नहीं माना जब मैं बाहर गोख में गई, तो फिर मन किया चलो थोड़ी देर के लिए चलते हैं। तो वैसे अभी ऊपर आ गए हो और यहाँ देखिए हमारी आलिया आलिया पे ये वाली हेयर स्टाइल अच्छी लगती है ना, अच्छी लगती है। तो बस आलिया ने पहना है अपना कुर्ता ये वाला और इनाया सो रही है। तो उठ गई थी थोड़ा सा, लेकिन फिर से सो गई है। तो बस अभी हम लोग बैठे हैं यहाँ पे। क्या देख रही हो आलिया? और बादल तो है, मतलब बादल इतना खतरनाक लग रहा है ना देखने से, बहुत ही ज्यादा। और पतंग में ना इतनी बड़ी बड़ी चोटी बांध के उड़ रही है ना पतंगे इस साइड, बच्चों ने मतलब ये देखिए इधर उड़ रही है, लेकिन काफी दूर है। मैं भी पास करके दिखाऊंगी, जूम करके दिखाऊंगी तब दिखेगी। वो देखो वो उसकी चोटी है ना, उसके तार में वो धागे में उलझ गई। शायद किसी एक ने लंबी चोटी बांधी है ना, तो उस औरों ने भी फिर जो है ना देख कर मान ली है, क्योंकि काफी सारे पतंगों में आज लंबी लंबी चोटियां दिखाई दे रही है, वरना बिना चोटी की ही उड़ती है पीछे। आप सभी की अभी ऐसे ही मौसम हो रहा है क्या, बताना कमेंट करके। तभी मैं आपको पतंग दिखाती हूँ। देखो इस पतंग में सबसे ज्यादा लंबी पूंछ बंधी हुई है, आज सब में बंधी है। ये देखो इसमें कितनी लंबी पूंछ बंधी है, यहाँ से लेके यहाँ तक। आसमान में लंबा सा कीड़ा उड़ रहा है, ये देखिए ये देखिए। और आज सभी पतंग में ना ऐसे ही है बंदी, देखो ये बंदी है, ये बंदी है, इधर देखो ओ बूंद आ गई, बड़ी बड़ी बूंदे आ गई। बस थोड़ी सी बूंदे गिर के रह जाती है, पानी नहीं बरसता। ये देखो आज सभी पतंग में बड़ी बड़ी पूंछे बंधी हुई है। और ये वाला जो टावर है ना, इसके आसपास इस टाइम पर बहुत ज़्यादा है ना पंछी उड़ते हैं, बहुत ज़्यादा। अभी थोड़ा सा और टाइम होगा ना तो बहुत झुंड के झुंड आएंगे। ये तो बस अभी हो गया है नाइट का टाइम, 9:30 बज रहे हैं और मैं अब आई हूँ छत पे से। तो बस यहाँ पे जो है ना मैं बना रही हूँ ये पुलाव आलू का, और क्योंकि पापा जी को दूध देना रहता है 9 बजे, तो बस मैं 9 बजे नीचे आ गई थी, फिर मैंने आलू का पुलाव बघार दी, पापा जी को दूध दे दिया। और यहाँ पे ये चिकन मैंने रात में ही मैरिनेट करके रख लिया था, तो ये मैं फ्राई कर रही हूँ। तो कुछ ही पीस फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि मैं इनाया के लिए मैं जो है ना मैरिनेट करके खट्टा रख देती हूँ और फिर थोड़ा थोड़ा करके उसके लिए फ्राई करती रहती हूँ। तो बस आज इतने पीस कर दिए, फिर कल तक के लिए हो जाएगा उसको। और यहाँ पे ये टिफ़िन भी मैं उठा के रखती थी, क्योंकि इसमें चिकन रखा हुआ था, तो सुबह चिकन सालन बनाया था और अभी ये चिकन मेरीनेट करके रख लिया, तो सारा चिकन ख़त्म हो गया। तो अब डब्बे जो है ना मैंने माँच के रख दिए थे। और यहाँ पे जो है ना सुबह का टाइम है, तो बस यहाँ ऑमलेट बना रही हूँ। तो आलिया बोल रही थी कि मम्मी मुझे ना आज ब्रेड ऑमलेट खाना है, तो बस बच्चों के लिए दोनों आलिया और इनाया खा लेंगी, तो उनके लिए मैं ब्रेड ऑमलेट बना रही हूँ और साथ ही मैं चीज़ इसमें रख दूंगी, तो जिससे क्या होगा तो बच्चे अच्छे से खा लेंगे, क्योंकि चीज़ तो उन दोनों को ही अच्छा लगता है। और ब्रेड के साथ बना दो तो खा लेते हैं, वरना खाली बनाओ ना तो नहीं खाते हैं। और यहाँ पे मैंने जो है ना हरी मिर्च भी डाल दी, क्योंकि जो अब इस बार हरी मिर्च आई है ना वो बिल्कुल मतलब तीखी नहीं है, उसमें तीखापन नहीं है, जो फ्राई करने की आती है ना तो वो तीखी नहीं होती है, तो बस मैंने वो वैसे ही डाल दी हैं टेस्ट के लिए। वो वैसे खाएंगी तो नहीं, निकाल के उठा देंगी। तो यहाँ पनीर भी रखा हुआ था, तो मैंने पनीर डाल दिया इसमें। और बस यहाँ पे ये बच्चों के लिए नाश्ता बनके तैयार हो गया है। तो ये दो ही स्लाइस बनाई है मैंने, तो इनको कट करके रख दूँगी, तो दोनों बहनें खा लेंगी, मतलब खिलाऊँगी, तो मैं ही अपने हाथ से नहीं खाती हैं। तो बस खाना वगैरह हो गया बच्चों का, और यहाँ पे अब मेरा नहाने का टाइम हो गया था, तो बस मैं जो है ना नहाने जा रही थी, तो मैंने कहा चलो पूरे घर की सफाई तो हो ही गई है, तो यहाँ पे बाथरूम को भी साफ़ कर लेते हैं। तो वैसे तो डेली में नहाते जाते हैं तो हम लोग जो है ना बाथरूम को साफ़ कर देते हैं, झाड़ू से ऐसे ही धो देते हैं, लेकिन इस तरीके से टाइल्स वगैरह धोकर अच्छे से कभी कभी सफाई करते हैं। तो बस अभी घर की सफाई हो गई थी, तो मैंने कहा बाथरूम ही तो रह जाएगा, तो इसको भी साफ़ कर देते हैं, क्योंकि घर पूरा अच्छा लग रहा होगा और बाथरूम गंदी होगी तो अच्छा नहीं लगेगा।
हाँ तो बस ये हिस्सा भी रह गया था, तो मैंने कहा चलो आज इसको भी साफ़ कर देते हैं। तो बस यहाँ पे अच्छे से मैंने हारपिक से साफ़ कर रही हूँ, और यहाँ पे जो है ना, क्योंकि ये हमारा जो पानी है ना वो जम जाता है, तो मुझे इसलिए हारपिक का यूज करना पड़ता है। तो यहाँ बाथरूम के लिए मैं हारपिक अलग से रखती हूँ, और ये दीवार भी जो है ना बहुत ज़्यादा डस्ट हो रही थी क्योंकि आंधी वगैरह चल रही है ना, और ये जाली है खिड़की है तो इसमें से काफ़ी डस्ट आती रहती है, तो इधर सारी जमी हुई थी। तो पूरी दीवारें जो है ना मैंने अच्छे से धो दी हैं बढ़िया से, आपको ऊपर से भी दिख रहा होगा गीली है, तो ये सारी मैंने धोई हैं ब्रश से। और यहाँ पे हम लोग अपना सामान रखते हैं, हमारे शैम्पू और जो भी हमारे रहते हैं यूज के प्रोडक्ट, वो हम सारे इसी दीवार पर रख मतलब अलमारी पर रखते हैं। तो बस इसको भी मैं धो रही हूँ, बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी, देख रहे होंगे पानी कितना गंदा निकल रहा है। तो बस यहाँ पे मैं साबुनदानी वगैरह जो भी रेक वगैरह लगी हुई है वो भी धोऊंगी, तो सारे कुछ सफाई करूँगी। तो बस यहाँ पे सारा कुछ बाथरूम वगैरह धोने के बाद फिर मैं नहाई हूँ, और अब मैं पारा पढ़ रही हूँ। और रमज़ान का महीना बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है, और अब बस रमज़ानों के महीने का एंड ही चल रहा है, तो बस अब बहुत जल्द ईद भी हो जाएगी एक दो दिन में ही। तो अभी हो गया है शाम का टाइम, और यहाँ बना रही हूँ मैं आज ब्रेड पकोड़े, तो ये देख लीजिए। तो यहाँ पे मैंने बैटर बना के रख लिया है, ऑयल गर्म हो रहा है, और ये मैं सॉस लगाऊंगी, ग्रीन चिल्ली सॉस है और केचप है, और ये ब्रेड रखी हुई है और भरता मैंने बना के रख लिया। तो यहाँ देख लीजिए ये ब्रेड पकौड़े फ्राई हो रहे हैं, तो मैंने इस तरीके से इन पे एक पे केचप लगाई है एक ब्रेड पे, और एक पे मैंने चिल्ली सॉस लगा दी है, और बीच में इस भरते को रख दूँगी, और बस कट करके बैटर में डिप करके इनको फ्राई कर लूँगी। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे जो है ना ब्रेड पकौड़े बन के तैयार हो जाते हैं, और बहुत ही ईजी रेसिपी है ये, सबसे ज़्यादा ईजी रेसिपी मुझे यही लगती है। और बस यहाँ पे ये ब्रेड पकोड़े फ्राई हो रहे हैं, और ये हो चुके हैं, तो यहाँ पे ये सारे ब्रेड पकोड़े फ्राई हो चुके हैं। तो ये बच्चों के लिए मैंने बिना मिर्ची के बनाए हैं, और ये मिर्ची वाले हैं, तो उनके लिए थोड़े से मिर्ची कम वाले मतलब कम मिर्ची हैं उनमें। और यहाँ पे ये बेसन बच गया था, तो इसमें मैंने थोड़ा सा फूड कलर डाला और पनीर के टुकड़े काट के डाल दिए, तो ये पनीर पकोड़े बन जाएंगे। मैंने सोचा थोड़ा सा बेसन बच रहा था, मैंने कहा अब ये फालतू जाएगा ख़राब होगा, तो इसलिए इसमें मैं ये डाल देती हूँ जिससे ये खिल जाएगा। तो बस यहाँ पे ये फ्राई हो रहे हैं, तो यहाँ पे ये हमारे ब्रेड पकोड़े बन के रेडी हैं, और ये बेटू के, ये हमारे, और ये है इनाया के। तो ये मैंने टूथपिक लगा दी है जिससे वो आराम से खा ले, और ऊपर से मैंने थोड़ा सा मेक में सारा और डाला है क्योंकि उसको अच्छा लगता है, तो इस वजह से वो पनीर खा लेगी। तो बच्चों के लिए ऐसे कुछ मसाले यूज़ कर लें जिससे बच्चे खा लें आराम से। तो बस यहाँ पे और बड़े ही सुंदर लग रहे हैं, और बेटू कह रही कि ये चिकन फ्राई है क्या, मैंने कहा चिकन नहीं है पनीर है, तो पनीर से तो वो भी भक्ति है। तो अभी हो गया है नाइट का टाइम, और मैं यहाँ पे सामान कर रही हूँ सैनिटाइज़, क्योंकि ये सामान लेकर आए थे दोपहर के टाइम पर, तो ये बच्चों का है पीडियोर से, और वैसे भी ख़त्म नहीं हुआ था लेकिन ये लेकर आ गए, इनने कहा कि मैं गया था मुझे सामने दिख गया फिर ख़त्म हो जाता, फिर बोलती तुम के लेकर आओ, तो इसलिए मैं लेकर आ गया हूँ। और यहाँ पे ये सारी चीज़ें बच्चों के खाने पीने की आइटम हैं, और आज एक बहुत बड़ा वाला हादसा हुआ है, तो मैं अभी आपको बताती हूँ आगे क्या हादसा हुआ है। सोचा नहीं था कि ऐसा भी होगा, क्योंकि देखो अगर फालतू जा रहे हैं तो पकड़ना ठीक है या चालान काटना ठीक है, लेकिन अगर हम काम से गए हैं, राशन लेने गए हैं, घर की ज़रूरत की चीज़ें लेने गए हैं, तो फिर पकड़ना और चालान लगाना बहुत गलत चीज़ है। तो यहाँ पे ये देख लीजिए, इसमें थैले में ही पड़ा हुआ था, तो ये चालान है जो काटा गया है। तो पहले तो उनसे बोल दिया गया था कि बस वैसे ही फॉर्मेलिटी है कुछ नहीं है, तो ये दे दिया था, और फिर बाद में कॉल करके बोला कि आप थाने आ जाइए और चालान कटेगा आपका 250 रुपये का। तो फिर ये घर पे बोल, मतलब उनसे तो नहीं बोला लेकिन हम लोगों से बोल रहे थे कि जब काटना ही था तो फिर वहीं पे ले लेते, बार बार बाहर निकलो, क्योंकि जितना हो सके उतना कम बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, तो जब भी जाते हैं तो सामान जो भी चाहिए रहता है इकट्ठा एक बार में लेकर आ जाते हैं, फिर काफ़ी टाइम तक नहीं जाते। लेकिन अब इसकी वजह से दोबारा जाना पड़ा, और फिर थाने, जो कि कभी लाइफ में गए नहीं लेकिन आज इस कोरोना के वजह से थाने का मुँह देख लिया, मतलब जो काम ज़िंदगी में अभी तक नहीं हुआ वो चीज़ आज हो गई, और बिना वजह। मतलब मैंने कहा कि राशन की चीज़ तो लेने जा रहे हैं, कोई गलती हो या वैसे ही घूम रहे हो बिना मास्क के, बल्कि डबल डबल मास्क लगा के जाते हैं,
और फिर भी मतलब ये चालान कटा बहुत गलत चीज़ है, तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा बुरा लगा। पापा जी को नहीं बताया, वरना पापा जी तो फिर गुस्सा होते, तो इसलिए तो बस यहाँ पे सारी चीज़ें जो है ना सैनिटाइज करके मैंने रख दिए हैं और हाथ वगैरह धोकर मैं आ गई हूँ, सामान रख दिया उठाकर, वरना फिर ये बच्चे जो है ना हाथ लगाते, इसीलिए मैं किचन में कर रही थी क्योंकि यहाँ करती हूँ ना तो यहाँ ये हाथ लगाती हैं। तो बस यहाँ पे ये देख लीजिए इनकी बनी है सैंडविच, तो ये बोल रही हैं इनने ब्रेड पकौड़ा तो खा लिया है लेकिन अभी नाइट का टाइम हो रहा है और इनको खाना है चॉकलेट। तो फिर मैंने कहा ब्रेड पे लगा के खा लो। तो ये जो है ना आलिया को बहुत ज़्यादा पसंद है और इन्नू को, चॉकलेट तो हर बच्चे को पसंद होती है। तो बस यहाँ पे ये बना रहे हैं, खुद ही बोल रही हैं कि मम्मी मैं बनाऊँगी, और बस नाम है सैंडविच, इनको सिर्फ अपनी चॉकलेट खानी है और कुछ नहीं करना। तो इन्नू देखो कैसे देख रही हैं, इन्नू बोल रही हैं कि मैं लगाऊँगी मैं बनाऊँगी और आलिया को खुद ही बनाना है। तो पता नहीं लड़कियों को खाना बनाने का शौक़ रहता है बचपन से ही, तो आलिया को रिनाया को बचपन से ही मतलब अभी से ही है कि हम बनाएंगे खाना, किचन में भी पहुँच जाती हैं, लेकिन अब तो मैं डांट कर भगा देती हूँ, वरना पहले तो जो है ना ये वहीं पर बैठी रहती थी, लेकिन अब तो मैं भगा देती हूँ क्योंकि डर लगता है तेल वगैरह का। और अब तो ऐसा भी देखो कुछ हो भी जाए, जल कर भी जाए तो हम बाहर दवा लेने भी नहीं जा सकते हैं क्योंकि किसी भी वजह से मतलब डॉक्टर के पास जाने से अब तो डर लगता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा डर डर के बच्चों को रखते हैं कि मतलब कुछ भी ना हो, चोट वगैरह ना लगे। तो इसलिए अब तो मैं किचन में से इनको भगा ही देती हूँ। तो यहाँ पे इनको मौका मिल गया अपना काम करने का और बस ये खा रही है अपनी सैंडविच। सैंडविच तो नहीं खिल रही है, चॉकलेट खिल रही है इनकी, देख ही रही होगी ब्रेड तो रख दी गई है। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं, अल्लाह हाफिज़।